आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। सनातन धर्मियों के त्योहारों में नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है, लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा भी है। कहा जाता है कि नाग को दूध नहीं पिलाना चाहिए, उन्हें दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रत्युर्जिता से उनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन नवनाग की पूजा की जाती है। नागपंचमी पर वाराणसी अर्थात काशी में नागकुआ नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। किंवदंती है कि इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए, परंतु गुरु पत्नी के सखियों से तक्षक रूपी बालक के बारे में बतलाने के कारण गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया, परंतु अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन से यहाँ नाग पूजा की जाती है। इसके साथ ही यह मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआ का दर्शन करता है, उसकी जन्म कुंडली के सर्प दोष का निवारण हो जाता है। नाग पंचमी के ही दिन अनेकों गांव व कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी, तालाब में ले जाकर नहलाया जाता है। हिंदू संस्कृति ने पशु पक्षी, वृक्ष वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। हिंदू धर्म में गाय की पूजा होती है। अनेक सनातनी बहनें कोकिला व्रत करती हैं। कोयल के दर्शन हो अथवा उसका स्वर कान पर पड़े तब ही भोजन लेना, ऐसा यह व्रत है। हमारे यहाँ वृषभोत्सव के दिन बैल का पूजन किया जाता है। वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद की पूजा होती है, परंतु नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन जब हम करते हैं, तब तो सनातन संस्कृति की विशिष्टता पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है। माना जाता है कि गाय, बैल, कोयल इत्यादि का पूजन करके उनके साथ सनातन धर्म का अनुसरण करने वाले आत्मीयता साधने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वे उपयोगी हैं। लेकिन नाग उनके किस उपयोग में आता है? इससे उलट अगर नाग किसी को काट ले तो जान पर बनाती है, सभी उससे डरते हैं। नाग के इस डर से नाग पूजा शुरू हुई होगी, ऐसा कई लोग मानते हैं, परंतु यह मान्यता सनातन संस्कृति से सुसंगत नहीं लगती। नाग को देव के रूप में स्वीकार करने में आर्यों के हृदय की विशालता का दर्शन होता है। कृण्वंतो विश्वमार्यम इस गर्जना के साथ आगे बढ़ते हुए आर्यों को भिन्न भिन्न उपासना करते हुए अनेक समूहों के संपर्क में आना पड़ा। वेदों के प्रभावी विचार उनके पास पहुंचाने के लिए आर्यों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। विभिन्न समूहों को उपासना विधि में रहे फर्क के कारण होने वाले विवाद को यदि निकाल दिया जाए तो मानव मात्र वेदों के तेजस्वी और भव्य विचारों को स्वीकार करेगा, इस पर आर्यों की अखंड श्रद्धा थी। इसको सफल बनाने के लिए आर्यों ने अलग अलग पुंजों में चलती विभिन्न देवताओं की पूजा को स्वीकार किया और अलग अलग पुंजों को उन्होंने आत्मसात करके अपने में मिला लिया। इन विभिन्न पूजाओं को स्वीकार करने के कारण ही हमें नाग पूजा प्राप्त हुई होगी, ऐसा लगता है। देखा जाए तो भारत देश कृषि प्रधान देश है, सांप खेतों का रक्षण करता है, इसलिए उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। जीव जंतु, चूहे आदि जो फसल को नुकसान करने वाले तत्व हैं, उनका नाश करके सांप खेतों को हरा भरा रखता है। सांप समाज को कई मुख संदेश भी देता है। सांप के गुण देखने की हमारे पास गुणग्राही और शुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी शुभ दृष्टि थी, इसलिए ही उन्हें प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख मिली। सांप सामान्यतया किसी को अकारण नहीं काटता, उसे परेशान करने वाले को या छेड़ने वालों को ही वह डसता है। सांप भी प्रभु का सर्जन है, वह यदि नुकसान किए बिना सरलता से जाता हो या निरुपद्रवी बनकर जीता हो तो उसे मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जब हम उसके प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने प्राण बचाने के लिए या अपना जीवन टिकाने के लिए यदि वह हमें दंश दे तो उसे दुष्ट कैसे कहा जा सकता है? हमारे प्राण लेने वालों के प्राण लेने का प्रयत्न क्या हम नहीं करते? सांप को सुगंध बहुत ही भाती है। चंपा के पौधे को लिपटकर वह रहता है,
या तो चंदन के वृक्ष पर वह निवास करता है, केवड़े के वन में भी वह फिरता रहता है। उसे सुगंध प्रिय लगती है, इसलिए भारतीय संस्कृति को वह प्रिय है। प्रत्येक मानव को जीवन में सद्गुणों की सुगंध आती है, सुविचारों की सुवास आती है, वह सुवास हमें प्रिय होनी चाहिए। हम जानते हैं कि सांप बिना कारण किसी को नहीं काटता। वर्षों परिश्रम संचित शक्ति यानी जहर वह किसी को यूं ही काटकर व्यर्थ खो देना नहीं चाहता। हम भी जीवन में कुछ तप करेंगे तो उससे हमें भी शक्ति पैदा होगी। यह शक्ति किसी पर गुस्सा करने में, निर्बलों को हैरान करने में या अशक्तों को दुख देने में व्यर्थ न कर उस शक्ति को हमारा विकास करने में, दूसरे असमर्थों को समर्थ बनाने में, निर्बलों को सबल बनाने में खर्च करें, यही अपेक्षित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा अर्चना से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस दिन खेतों में फसलों की रक्षा के लिए भी नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग देव की आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन क्यों नहीं बनती घरों में रोटी। नाग पंचमी के दिन लोहे से बनी चीजों का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोटी बनाने के लिए जिस तवे का इस्तेमाल किया जाता है उसे नाग के फन से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में नाग पंचमी पर चूल्हे पर तवा रखने से नाग देवता नाराज हो सकते हैं। साथ ही तवे को राहु के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है और नाग पंचमी पर इसके इस्तेमाल से कुंडली में राहु ग्रह का प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसे में नाग पंचमी पर तवे पर रोटी बनाने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं सर्पमणि के बारे में। इस तरह की मान्यता भी है कि कुछ दैवीय सांपों के मस्तिष्क पर मणि होती है। मणि अमूल्य होती है। हमें भी जीवन में अमूल्य वस्तुओं को, बातों को मस्तिष्क पर चढ़ाना चाहिए। समाज के मुकुटमणि जैसे महापुरुषों का स्थान हमारे मस्तिष्क पर होना चाहिए। हमें प्रेम से उनकी पालकी उठानी चाहिए और उनके विचारों के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण करने का अहर्निश प्रयत्न करना चाहिए। सर्व विद्याओं में मणि रूप जो अध्यात्म विद्या है, उसके लिए हमारे जीवन में अनोखा आकर्षण होना चाहिए। आत्म विकास में सहायक न हो, उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहा जा सकता है? सांप बिल में रहता है और अधिकांशतः एकांत का सेवन करता है, इसलिए मुमुक्षु को जन समूह को टालना चाहिए। इस बारे में सांप का उदाहरण दिया जाता है। देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में साधन रूप बनकर वासुकी नाग ने दुर्जनों के लिए भी प्रभु कार्य में निमित्त बनने का मार्ग खुला कर दिया है। दुर्जन मानव भी यदि सच्चे मार्ग पर आए तो वह सांस्कृतिक कार्य में अपना बहुत बड़ा योग दे सकता है और दुर्बलता सतत खटकती रहने पर ऐसे मानव को अपने किए हुए सत्कार्य के लिए ज्यादा घमंड भी निर्माण नहीं होगा। दुर्जन भी यदि भगवत कार्य में जुड़ जाए तो प्रभु भी उसको स्वीकार करते हैं। इस बात का समर्थन शिव ने सांप को अपने गले में रखकर और विष्णु ने शेष शयन करके किया है। समग्र सृष्टि के हित के लिए बरसते बरसात के कारण निर्वासित हुआ सांप जब हमारे घर में अतिथि बनकर आता है, तब उसे आश्रय देकर कृतज्ञ बुद्धि से उसका पूजन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इस तरह नाग पंचमी का उत्सव श्रावण महीने में ही रखकर हमारे ऋषियों ने बहुत ही औचित्य दिखाया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता माने गए हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा और व्रत रखने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और भय दूर होता है। इस वर्ष नाग पंचमी के दिन कई तरह के दुर्लभ योग बन रहे हैं। जानकार विद्वानों के अनुसार इस बार नाग पंचमी पर 5 तरह के दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। नाग पंचमी के दिन सुख वैभव प्रदान करने वाले ग्रह शुक्र ग्रह और बुध देव मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इसके अलावा नाग पंचमी पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहते हुए शश राजयोग का निर्माण करेंगे। चंद्रदेव कन्या राशि में होंगे और राहु के साथ समसप्तक योग का निर्माण करेंगे। ग्रहों के अलावा नागपंचमी पर शुभ और सिद्ध योग भी बनेगा। नागपंचमी पर एक साथ कई तरह के योग बनने के कारण इसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ेगा, जिसमें से कुछ राशि के लोगों के लिए नागपंचमी का त्योहार बहुत ही शुभ और तरक्की दिलाने वाला होगा। आइए जानते हैं
किन किन राशि वालों को इस बार नागपंचमी रहने वाली है भाग्यशाली। मेष राशि के जातकों के लिए नागपंचमी के दिन पांच तरह के राज्यों का बनना बहुत ही शुभ फलदायी साबित हो सकता है। भाग्य का अच्छा साभ आपको मिलेगा। आपकी आय में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। बिगड़े काम जल्द ही पूरे होंगे। नौकरी पेशा जातकों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। भाग्य का अच्छा साथ आपको मिल सकता है। नई योजनाओं में आपको अच्छी सफलता और अनुभव का लाभ आपको मिलेगा। सभी तरह की इच्छाएं पूरी होंगी और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मेष राशि के अलावा वृषभ राशि के जातकों को भी नाग पंचमी पर बने पांच राज्यों का फायदा मिलेगा। आपकी आय में अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। धन लाभ के बेहतरीन मौके आपको मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों को नई नौकरी में अच्छे प्रस्ताव आपके सामने मिल सकते हैं। आपकी पारिवारिक जीवन पहले से बेहतर रहेगा। आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, जिससे रुके हुए काम जल्द से जल्द पूरे होंगे। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी पर बना दुर्लभ और शुभ योग बहुत ही फलदायी साबित हो सकता है। आपकी लोकप्रियता में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को मेहनत का फल मिलेगा और आय में दो गुने से ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। जो जातक किसी व्यापार से संबंधित हैं, उनको कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है, जो आने वाले दिनों में बहुत ही लाभ दिलाएगा। अगर आप नागदेवता की कृपा चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जय नागदेवता लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।